जय भीम साथियों, मैं हूँ आज रास्ते में और खेतों के पास रुका हूँ और लाइव आना पड़ा। आप सब लोग थोड़ी देर में से देखेंगे। सीमा पर जवान और खेत में किसान अन्नदाता, और सीमा पर जवान जो हमारा रक्षक है, देश की सुरक्षा करता है, और भारत का अनोखा संविधान, ये तीनों हैं इस देश की, भारत की पहचान। और बड़े बड़े दावे करने वाले लोग एक के बदले 10 सीट लाएंगे, ऐसे लोग आज बिल में छुप गए हैं। सिर्फ शहीदों के नाम पर राजनीति होती है। आज तक भी ऐसी कोई योजना नहीं बनी कि हमारे इतने जवान शहीद होते हैं, कोई ऐसी कार्रवाई हो, कोई ऐसी बात हो कि हमारे जवान शहीद ना, उनकी जान कीमत है। तो जितने इतना बुरा समय चल रहा, जित हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं, मैं सभी भीम आर्मी, सभी जो हमारे शहीद जवान हैं जो अब अमर हो चुके हैं, उनके परिवारों के साथ खड़ी है। और मैं चंद्रशेखर आज़ाद अपने पूर्ण होशोहवास में सरकार से कहना चाहता हूँ, पूरे देश से कहना चाहता हूँ कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। मैं पूरे सभी शहीदों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और तथागत से सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। हम सभी शहीद परिवारों के साथ खड़े हुए हैं। और निंदा करता हूँ ऐसी सभी घटनाओं की, और ऐसे सभी लोगों की जो हमारे जिन्होंने हमारे लोगों की जान ली है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उनकी जगह भी जो सही जगह उनको पहुंचा देना चाहिए। मैं चाहता हूं देश के नेता मामले की गंभीरता को समझें और सिर्फ राजनीति ना करें इस मामले पे। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पीड़ित परिवारों को के साथ खड़े हों, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाएं, उनके जो जो उनके मन में पीड़ा है उसको दुख को साझा करें। मैं ऐसे सभी शहीदों को नमन करता हूँ और पूरे देश को कहना चाहता हूँ, सरकार को, अगर सरकार इजाजत देती है तो भीम आर्मी प्रमुख और भीम आर्मी की पूरी टीम, हम तैयार हैं सीमा पर जाने के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के लिए। हम इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, देश की संविधान की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और अगर मौका मिला तो इस देश की सुरक्षा के लिए, बाहरी ताकतों से इस देश की सुरक्षा के लिए भी लड़ने का काम करेंगे। भीम आर्मी का बच्चा बच्चा खुद चंद्रशेखर सीमा पर जाके विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। हम देश में भी सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे लिए देश सबसे पहले है। तो सभी शहीदों को आदरांजलि, नमन मेरा। आपकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित रहते हैं, और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ, अगर सरकार इजाजत देती तो हम जाने को तैयार हैं और जाके दुश्मनों के दांत खट्टे करने, उनको सबक सिखाने के तैयार हैं। ये बहुत बुरी बात है, इतने जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शहीदों के परिवारों को आदर सम्मान मिले, उनकी मदद की जाए, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जान दी है, उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। आदरांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि पूरे सभी शहीद परिवारों को। हम आपके साथ खड़े हैं हर दुख सुख में। और अगर मैं पूरे देश से भी कहना चाहता हूँ, शहीदों के साथ साथ इस देश के जो सेना के लोग हैं उनकी भी इज्जत कीजिए। अगर आर्मी का व्यक्ति कहीं आपको मिले तो उसे खड़े होकर सलूट कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसे गले लगाइए, उसके लिए सिर छोड़िए, उसका एहसास कराइए कि आप हमारी सुरक्षा करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जय भीम आर्मी। बाबा साहब का बेटा जब कोई बात कहता तो पूरे दमखम से कहता, हम लोग साथ हैं, और सरकार अगर इजाजत देती तो जाकर सीमा पे दुश्मनों के दांत खट्टे करने का, उनको जवाब देने का काम करेंगे। जय बहुजन समाज।